नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी साइंस की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको लीवर पढ़ाया था और ये पढ़ाया था कि लीवर का जो फंक्शन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। वो पित्तरस का श्रवण करता है जो कि भोजन को पचाने में आवश्यक है, सहायक होता है। ठीक है, इस क्लास में उससे आगे बात करेंगे और समझेंगे कि पित्ताशय क्या है। पित्तरस तो आपने देख लिया, पित्ताशय क्या है और उसके बाद में पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो क्लास चल रहा है इसमें हम लगातार पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं पिछले 3-4 क्लास से, और इस क्लास में संभवतः उसे हम समाप्त कर लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें समझना है पित्ताशय, यदि आपको दिख रही है ये जो आपको पीडीएफ दिखता है आपके स्क्रीन पर, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लिया करें और उसके बाद में उसका नोट्स आप बना लिया कीजिए। ठीक है, तो पित्ताशय गॉल ब्लैडर, ठीक है, यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाने वाला पित्त पित्ताशय में जमा हो जाता है। ठीक है, तो पित्त रस का श्रावण कौन करता है, यह सवाल बहुत कंफ्यूज करता है और स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है। बहुत सिंपल सा इसका जवाब है लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब आप पित्ताशय शब्द की गाल ब्लैडर सुनते तो आपको लगता है कि पित्त निकलता भी यहीं से है, लेकिन यह गलत है। पित्त का श्रावण यकृत की कोशिकाएं यानी कि लीवर के सेल्स करते हैं, जबकि इसको जो है संकलित करने का काम, इसको इकट्ठा करने का काम, स्टोर करने का काम किसका होता है, गाल ब्लैडर का होता है, पित्ताशय का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यकृत कोशिकाओं द्वारा साबित किया जाने वाला पित्त पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्ताशय की नालिकाएं यकृत की नालिकाओं के साथ मिल करके एक पित्त वाहिनी यानी कि बाइल डक्ट का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसमें किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें पित्तवर्णक बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बिलिरुबिन पाया जाता है और जब किसी का जो है पीलिया है किसी को होता है तो आप देखेंगे कि जो उसका पित्त है ना उसको ज़्यादा पीला हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि पीला किसकी बीमारी है, लीवर्स की बीमारी है, यकृति की बीमारी है। ठीक है, यह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। तो जो बाइल जूस होता है, पित्तरस होता है, उसका काम क्या होता है, ये जो भोजन के साथ जीवाणु अंदर पहुँच गए यानी कि जिनको टाइलिन नहीं प्रभावित कर पाया, यानी कि जो मुख के लाल ग्रंथियाँ थी वो नहीं मार पाए, जठर रस से जो भी बच गया वो बाद में जा करके पित्तरस के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि इनका भी काम है जीवाणुओं को मारने का। ठीक है, और इसके अलावा यह वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। अब कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी को छोड़ करके जितने भी विटामिन हैं वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल सी जानकारी आप भी जानते होंगे। तो लगे हाथ ये बताइए कि विटामिन की खोज किसने की, ये अगर आप नहीं बता पाए तो आपका विज्ञान पढ़ना व्यर्थ है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं ग्रंथियां कौन सी हैं और वो किस प्रकार का एंजाइम सिक्रीज करती हैं यानी कि छोड़ती हैं। ठीक है, तो उसको आपको देखना है। थोड़ा सा मैं स्लाइड को नीचे करता हूँ ताकि आराम से आपको स्क्रीन पर दिखे। ओके, ये शायद इतना ही दिखेगा, एक टेक्निकल प्रॉब्लम। तो जितना दिख रहा है उसी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं साइड करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्रंथि, उसके नाम लिखे हुए हैं और उसके बगल में एंजाइम्स लिखा हुआ है जो उनके द्वारा स्रावित होता है। तो आपका पहला है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा एंजाइम सिक्रीज करती है, टाइलिन और माल्टेज। ठीक है, क्या क्या, टाइलिन और माल्टेज। उसके बाद में अमाशय, ठीक है, जठर रस जो कि एक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्या निकालता है, पेप्सिन और रेनिन। ये किसके किसके पाचन में सहायक होते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, किसके पाचन में, प्रोटीन के पाचन में। इसके बाद में अग्नाशय, अग्नाशय रस जो है वो निकलता है और इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। इसके अलावा छोटी आँख डाई पेप्टो
डेश का, ठीक है, डाइपेप्टो डेश का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो ये ग्रंथियां हैं जो एंजाइम्स को बाहर निकालती है, यानी कि उनको बाहर निकाल करके भोजन को पचाने में सहयोग करती है। अब देखते हैं कि पैनक्रियास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह मिश्रित ग्रंथि है। पैनक्रियास क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसमें एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का सावर होता है, ठीक है। एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का सावर होता है। तो बहुत जितनी बाकी जितनी ग्रंथियां होती हैं उनमें सिर्फ क्या होता है, एंजाइम का ही एक प्रकार से सिक्रेशन होता है, लेकिन जो अग्नाशय है आपका ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इससे हार्मोन का भी श्रवण होता है। हार्मोन का काम पाचन से कोई संबंध उसका नहीं है, हार्मोन का काम है बाकी शरीर को नियंत्रित करने। एंजाइम्स जो होते हैं वो फूड के पचाने में काम आते हैं और खासकर जो रासायनिक क्रिया होती है उसमें काम आते हैं, ठीक है। हार्मोन का काम कुछ और है बॉडी में, लेकिन पैनक्रियाज एक ऐसा जो है ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम को भी स्रावित करती है और साथ ही साथ हार्मोन को भी स्रावित करती है। यह अग्नाशय रस का श्रावण करती है, इसमें ट्रिप्सिन, लाइपेस तथा एमाइलेस नामक एंजाइम शामिल होते हैं, जो कि क्रमशः प्रोटीन, यानी कि जो आपका ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन, उसके बाद में वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे वसा तथा स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, ठीक है। यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित होती है, बहिश्रावी और अंतःस्रावी। इसके बहिश्रावी भाग से अग्नाशय रस का इसके बहिश्रावी भाग से अग्नाशय रस का श्रावण होता है और इसके अंतःस्रावी भाग से क्रमशः ग्लूकागन नामक हार्मोन का श्रावण होता है, ठीक है। तो जो इस चूंकि मिश्रित ग्रंथि है, एक इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि का काम है एंजाइम को स्रावित करना और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या करती, हार्मोन को स्रावित करती है, इसे ग्लूकागन, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप देखेंगे अवशोषण, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत के इलियम में होता है। रुधिर में मिश्रित पोषक पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर के साथ पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे स्वांगीकरण, स्वांगीकरण इसको थोड़ा सा मैं स्लाइड ऊपर करता हूं और इसको समझाता हूं आपको। ये ऊपर है, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख पाएंगे स्वांगीकरण, मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा करता हूँ, शायद आपको दिखे फिर। ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण में आप देख पाएंगे कि अवशोषित पदार्थों का अंत में ऊतकों तक पहुँचाना, जहाँ उनका उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। पाचक अवशिष्ट जो कि बड़ी आंत में एकत्रित होता है, जिसे एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला करके मुंह से जब आपने भोजन लिया था और निकालने तक सब कुछ हमने समझ लिया और इसी बीच में पाचन की क्रिया आपकी समाप्त होती है। तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएं। जब आपने शुरुआत किया पाचन तंत्र का, सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, हमने मुख की गुहा की बात की थी। तो आपने देखा था कि मुख की गुहा में जब कोई भोजन आता है तो उसका दो काम होता है। पहला काम क्या होता है कि वो भोजन को थोड़ा सा चिकना कर देता है ताकि शरीर के भीतर जाने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज़ जो टाइलिन और माल्टो जो वहाँ पर पाए जाते हैं, उनका काम क्या होता है कि जो जीवाणु आए हैं भोजन के साथ में उनको मार दिया जाए। उसके बाद में भोजन ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुँचता है, जहाँ पर जो है प्रोटीन का पाचन होता है। वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, जठर रस निकलता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ से भोजन छोटी आंत में जाता है, ड्यूडेनम में, उसके बाद में मध्य आंत में, इससे शांत में जाता है और वहीं पर अवशोषण भोजन का कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में भोजन बड़ी आंत में जाता है और जो बचा हुआ अवशिष्ट है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है पाचन की, ठीक है। तो पिछले तीन चार क्लास में आपने
पाचन को अच्छे से समझा। अब मैं कुछ सवाल इससे रिलेटेड आपसे पूछता हूँ, जिसका फटाफट जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। मैं कुछ सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में सवाल को सवाल के जवाब को लिखना होगा, छोड़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, जिन्होंने ये पीछे तीन चार क्लास पाचन तंत्र के किए हैं उनको पता होगा। तो चलिए आप फटाफट बताइए लिख करके कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। सवाल नंबर दूसरा, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, इसका सबका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तीसरा सवाल आपसे पूछते हैं, इसका जवाब आपको देना है। दो हो गए, एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, दूसरी सबसे जो है प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। तीसरा सवाल है, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है, ठीक है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण करती है। तो ये तीन सवाल है, इनका जवाब आपको देना है। इसी प्रकार आगे क्लासेस भी आपकी चलेंगी, जिसमें जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सवाल के रूप में भी सामने आएगा, ठीक है। जैसे ही ये हम जो है ये शरीर तंत्र जो है मानव का शरीर तंत्र हम पढ़ के समाप्त करेंगे, तो एक टेस्ट भी आपका हम करवाएंगे और क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज लेकर के आएंगे। तो संभवतः जो अगली क्लास आपको साइंस की मिली उसमें कुछ क्वेश्चन भी पहले करवा दें आपको, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरे तंत्र पर, यानी कि परिसंचरण तंत्र आपको पढ़ना, श्वसन तंत्र पढ़ना है, प्रजनन तंत्र पढ़ना है, तो उन सब तंत्रों की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी एक जो कहने की जो है शिकायत है माइक की, वो जल्दी से दूर कर ली जाएगी, ठीक है। संभवतः दो तीन क्लास में आपको अच्छी आवाज़ मिलने लगेगी, अभी आपको दो तीन क्लास में थोड़ा सा कान में ईयरफोन लगा के पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो उसे हम जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।